कालका शिमला रेलवे लाइन को निजी हाथों पर सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि कालका शिमला रेलवे लाइन, जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिल चुका है और इस विख्यात धरोहर के विकास के लिए केंद्र के पास इतना धन नहीं है कि इसे खुद चलाए, इसे सरकार घाटे का सौदा समझ रही है। यही वजह है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इस फैसले से कांग्रेस और भाजपा के नेता विवेक शर्मा और कुल राकेश पंत दोनों परेशान और हैरान हैं। उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले अभियान चलाया था कि रेलवे लाइन के आसपास फूल लगाए गए और सौंदर्यकरण किया गया, लेकिन सब धरा का धरा आज नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस विश्व धरोहर पर निजी ट्रेन दौड़ा करेगी। कांग्रेस और भाजपा के नेता विवेक शर्मा और कुल राकेश पंत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेलवे में शायद अधिकारी इतने समझदार और कुशल नहीं थे, जिसकी वजह से विश्व विख्यात विश्व धरोहर रेल मार्ग आज निजी हाथों में बिकने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि सरकार का निर्णय तर्कसंगत नहीं है, यहाँ लापरवाह अधिकारियों को बदलने की आवश्यकता थी। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों को बेचती जा रही है और अब हिमाचल में भी विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वे सरकारी उपक्रमों को बेचने का कैलेंडर जारी करे केंद्र सरकार, ताकि जनता को कोई आकस्मिक धक्का ना लगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब से जुड़े सब उपक्रम बेचने में आपना है, इसलिए अब सामाजिक संस्थाओं को एक और कर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये कालका शिमला रेलवे लाइन जो हमारी हेरिटेज रेलवे लाइन है और हिमाचल के पर्यटन की दृष्टि से उसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है उसकी रख रखाव के लिए। अब इसमें दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यहाँ तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है, या रेलवे में इतना निकम्मापन आ गया है कि सरकार का कार्य पद्धति का वो विश्वास समाप्त कर चुके हैं। ये कर्मचारियों को भी स्वयं आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है और सरकार को भी, मेरा ये मानना है। हम प्राइवेटाइजेशन के पूर्ण विरोध में हैं और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं इसका खुला विरोध करता हूं कि इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकारों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है, वो केयर टेकर हैं, वो कोई मालिकाना हक नहीं है उनके पास, और एक केयर टेकर को समाज में प्रगति की ओर ले जाने का अधिकार तो है, अपितु व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। और रेलवे की प्राइवेटाइजेशन का जहाँ तक सवाल आता है शिमला कालका हेरिटेज लाइन का, उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। सरकारी उपक्रम है, उनको बेचने के मामले में जितनी तेजी ये लोग बरत रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, क्या बेच के इन लोगों ने कहीं बाहर निकल जाना है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है और लोगों को इकट्ठे होकर इस बात को रोकना चाहिए। और जो भी संस्थाएं हिंदुस्तान में हैं, एनजीओज हैं, ये इस इशू को लेकर भी ज्वाइंट कोई एक्शन करने की बात होनी चाहिए। और अगर ये बेचने पर उतारू हैं तो कम से कम ये तो कर दे, मेरा आग्रह है मोदी जी से और जो वित्त मंत्री हैं मैडम निर्मला जी, कि आप एक कैलेंडर ही बना दो कि कौन से दिन कौन सा उपक्रम आप हिंदुस्तान का जो है उसको बेचना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता तो लग जाए कि आप असल में क्या करना चाह रहे हैं। ये हर चीज़ जो गरीब से जुड़ी हुई है उसको बेच रहे हैं, अल्टीमेटली गरीब ही इससे ख़त्म हो जाएगा। और जो गरीब रथ किसी ज़माने में जिन लोगों ने गरीब रथ वगैरह को बनाने की बात की थी, लालू प्रसाद जी यादव गण, उनको गरीब लोगों का भी ध्यान था, उनको था कि गरीब लोगों को भी कुछ ना कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, पर इनका तो सारा मामला यही है कि कैसे कुछ उद्योगपति मित्रों को ये जो सारी हिंदुस्तान की संपत्ति है वो सौंपी जाए। ये बहुत निंदनीय बात है, राष्ट्रीय धरोहर को भी आप जब निजी हाथों में सौंपने की बात कर रहे हैं तो इससे जो है ना तो राष्ट्र का हित होगा और जो कैपिटलिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो जैसे ये शिमला कालका रेल लाइन है, इसको यही नहीं, आपने अभी पीछे जो किया लाल किले में भी वो एक डालमिया जी को वहाँ का सौंप दिया है, तो ये जो बात है ये सारी बात बड़ी निंदनीय है और ये देश हित में नहीं है। ये ठीक है कि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं
वो अपने संबंध कुछ उद्योगपतियों से ठीक कर कर सारी ही चीज़ें उस सीमित उद्योगपतियों को देना चाहते हैं और वो उससे अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप देखेंगे कभी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई तो इनकी योजना जो है, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं और ये दो एक लोग ही हैं, दो तीन लोग हैं और लोगों की तो वहाँ कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है, तो ये सारे लोग इस माध्यम से एक लूटपाट करना चाहते हैं जो कि ना लोकतंत्र के हित में है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में। मैं तो यहाँ तक एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो स्थानीय उपक्रम है, जो